देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में लोगों का एक दूसरे से मिलना और घर जाना बिल्कुल बंद है, क्योंकि मिलने से कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कटिहार में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कटिहार में एक घर में चोरी हुई। जिस घर में चोरी हुई वो घर कोरोना पॉजिटिव मरीज का था, जिसके बाद पुलिस ने चोरों को पकड़कर क्वारंटीन में भेज दिया। ये मामला कटिहार के कुरसैला थाना क्षेत्र के तीन घरिया का है। यहाँ चोरों ने कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर को भी नहीं बख्शा, लेकिन पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों चोरों को पकड़ लिया और क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया। दोनों आरोपी संतोष और विपिन उसी गाँव के हैं और पुलिस ने दोनों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि घर को खाली पाकर चोरों ने उसे अपना निशाना बनाया, लेकिन ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई और दोनों चोरों को पकड़ लिया। कोविड पॉजिटिव मरीज के घर में चोरी हुआ था, दो लोग भी पकड़े, क्या है पूरा मामला? हाँ, उसमें लाए थे तो चूंकि सेक्टर एरिया था, लोग डर रहा था ड्यूटी में, तो हम लोग ध्यान रखे थे, लेकिन लोकल उसी गांव का था। तो तीन आदमी उनके यहाँ चोरी किया, उसकी सामान भी हम लोग बरामद किया और उसमें दो को पकड़ करके क्वारंटाइन कराया गया। जो चोरी करने का आरोपी उसको भी उसको क्वारंटाइन किया? हाँ, चूंकि वो उस प्लेस पर चला गया, उनके घर चला गया, तो इन्फेक्टेड जगह था, इसलिए उसको क्वारंटाइन कराया गया। आगे उन लोग का भी जांच जो भी प्रोसेस होगा? हाँ, वो सब प्रोसेस में। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे मामले की जांच कर रही है। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।